बाइबल की हजारों नबूवतें तारीख में लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो चुकी हैं और अब भी यह सिलसिला जारी है, जो इस बात का सबूत है कि यह कलाम ऐसी हस्ती का है जो इंसानों समेत तमाम कायनात के माजी हाल और मुस्तकबिल से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि उस पर इख्तियार रखती है। बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानों में पढ़ी सुनी और सुनाई जाने वाली किताब है, लेकिन तारीख में सबसे ज्यादा इम्तहानों से गुजरने वाली किताब भी बाइबल ही है। हर दौर में कलाम खुदा की मुखालिफ कुवतों ने तारीखी, जुग्राफियाई, अदबी और सकाफती समेत तमाम दस्तियाब उलूम इस्तेमाल करते हुए इस किताब की सच्चाइयां झुठलाने, इसका इख्तियार खत्म करने और इसकी तासीर मिटाने की बेहद कोशिशें की, लेकिन यह किताब हर इम्तहान में खरी साबित हुई। इसकी मुखालफत करने वाली कुवतें खुद मिट गईं, लेकिन इस किताब की सच्चाइयां, इख्तियार और तासीर आज भी कायम है। मुख्तलिफ जमानों, जगहों और कौमों में से बथेरे उठे जिन्होंने ये साबित करने की सर तोड़ कोशिश की कि बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं बल्कि बदल गई है। इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए ना तो कभी कोई सबूत पेश कर सका और ना कोई दलील, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में जिंदा खुदा के कलाम की सदाकत साबित करने के लिए जमीन ने अपने सीने में महफूज सदियों पुराने नुस्खे इंसानों के सामने पेश किए, जो ये साबित करते हैं कि मौजूदा किताब मुकद्दस में किसी किस्म की कोई तहरीफ या तब्दीली नहीं की गई बल्कि ये अपनी असल हालत में मौजूद है। दुनिया की किसी और किताब के इतने पुराने और इतनी कसीर तादाद में नुस्खे दस्तियाब नहीं है। यह एजाज सिर्फ ला तब्दील खुदा के ला तब्दील कलाम को हासिल है। याद रहे कि बाइबल बदली नहीं बल्कि बदल देती है। पिछली 3500 साल इंसानी तारीख में कई ऐसे लोग उठे जिन्होंने अपने इख्तियार, ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए कलाम खुदा को सफाए हस्ती से मिटा देने की कोशिश की और इस कलाम पर ईमान रखने वालों और इसकी मुनादी करने वालों को घायल किया, मारा, जिंदा जलाया, खूंखार दरिंदों के सामने डाला, जलते हुए तेल में डाला, जानवरों की खालों में सिया, सूलियों पर चढ़ाया और ये भी दावा कर दिया कि हमने बाइबल का वजूद इस दुनिया से खत्म कर दिया है। लेकिन याद रहे कि बाइबल को मिटाने के दावे करने वाले खुद मिट गए, लेकिन बाइबल अपनी पूरी शान, सदाकत, इख्तियार और तासीर के साथ आज भी कायम है। हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा, अब तक कायम रहेगा।